हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 72 बुक्स आर पैक्ड इन फोर कार्टून ऑफ द सेम साइज। हाउ मेनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड फॉर 550 बुक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर कार्टून है, तो इन फोर कार्टून में बच्चों कितनी बुक्स आ जा रही है? 72 बुक्स आपकी आ जा रही है, ठीक है। तो अगर सपोज करो, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 72 कार्टून में 72 बुक्स जो हैं, 72 बुक्स वो कितने कार्टून में आ रही है? वो फोर कार्टून में आ रही हैं। कितने कार्टून में आ रही है? फोर कार्टून में आ रही है। तो वन बुक कितने कार्टून में आएगा? तो वन बुक जो प्लेस लेगा वो हो जाएगा 4/72 कार्टून, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड जैसा है, ठीक है, यूनिटरी मेथड जैसा है। तो यूनिटी मेथड में हम क्या करते थे, एक का फाइंड करके फिर जितने का भी वो पूछे आप उसको बता सकते थे। तो सेम यहाँ हम ये करेंगे, हम एक का फाइंड कर लिए कि एक बुक को कितना प्लेस चाहिए। तो अभी हमें कितना फाइंड करना है कि 540 बुक्स के लिए कितना स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर 540 बुक्स के लिए कितना कार्टून चाहिए। तो ये हो जाएगा 4/72 × 540 कार्टून्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अब ये सिंपली मल्टीप्लाई है, तो 4 × 1 = 4, इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = ठीक है 70, ये आपका 32 हो जाएगा। अब यहाँ से 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 24, ये 30, तो कितना आ गया हमारा 30 कार्टून। यानी आपको इतनी बुक्स रखने के लिए कितनी यू नीड, मतलब ऐसे लिखेंगे वी नीड 30 कार्टून टू पुट 540 बुक्स। बस इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक ठोको। बाय बच्चों।